हेलो एवरी वन माई नेम इज़ भूमित वर्मा एंड टुडे आई एम गोना बी रिप्रेजेंटिंग माय प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक ट्रांसपीरेशन एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा सो ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन क्या होता है जब एक प्लांट होता है और उसके अंदर जो प्रोसेस होती है जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं जिसकी वजह से वो अपना खाना तैयार करता है उसके लिए उसे पानी की जरूरत पड़ती है जो कि वो सॉइल से लेता है रूट के थ्रू फर्स्ट टाइम तक तो पहुंचता है पर जितना वाटर वो लेता है वो पूरा का पूरा वो यूज़ नहीं कर पाता है जो बचा हुआ वाटर होता है वो लीव्स में जो पोर्स होते हैं और भी काफ़ी तरीके से एटमोसफेयर में इवेपोरेट कर देता है इस प्रोसेस को हम ट्रांसफरेशन बोलते हैं कमिंग टू द नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफीशन ये ट्रांसपरेशन है क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये साइक्लिक प्रोसेस होता है सिंपली जो वाटर होता है वो रूट्स के थ्रू एक ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट एक पुल लगता है जिसकी वजह से वाटर वो शूट के अंदर जाता है शूट सिस्टम के अंदर जाता है और फिर फोटोसिथिस के अंदर काम करता है पर जो बचा हुआ वाटर होता है वो एटमोसफेयर में अब्जोर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स तो तीन टाइप के यहाँ पे ट्रांसपरेशन हमें बताए गए हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन इस ट्रांसप्रेशन के अंदर जो लीव्स होते हैं उसके थ्रू जो ट्रांसपीरेशन होता है उसे हम स्टोमेटल ट्रांसपरेशन बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसप्रेशन के अंदर जो लीव्स के ऊपर एक वैक्सिंग कवरिंग होती है एक आपको पता होगा कि एपिडर्मिस जो होता है लीव का उसके ऊपर एक वैक्सी कवरिंग होती है जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं उसके थ्रू अगर ट्रांसप्रेशन होता है तो क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन हम उसे बोल देते हैं नेक्स्ट है लेंटिकुलर जो प्लांट्स के ऊपर जितने भी लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं आपको पता है जो वूड स्टैम्प्स को वूड स्टैम्प्स के ऊपर और जो रूट्स होती हैं डाइकॉट्स प्ला डॉट्स होते हैं रूट्स के ऊपर उनके ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसे लेंटिकल्स बोलते हैं उनके थ्रू अगर वाटर लॉस होता है तो उसे लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलता है नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड सिग्निफिकेंस सो काफ़ी सिग्निफिकेंस हैं इसके और काफ़ी बेनिफिट्स हैं ट्रांसपीरेशन के ट्रांसपीरेशन uh, जनरली uh, जो वाटर होता है वो ऊपर आता है और लीव्स uh, के थ्रू बाहर चला जाता है जो कि एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है पूरे प्लांट के अंदर जिसकी वजह से वाटर एज वेल एज द मिनरल्स गोज अपवर्ड्स इन द प्लांट तो जो मिनरल्स होते हैं वाटर के थ्रू वो भी ऊपर आ जाते हैं और प्लांट उन्हें यूज़ कर लेता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू कीप द वाटर बैलेंस इन द प्लांट बॉडी जब भी वाटर लॉस होता है प्लांट का तो प्लांट के अंदर जो वाटर का बैलेंस है उसको सामान्य रखता है ट्रांसप्रेशन नेक्स्ट इज इट मेंटेन्स हीट बैलेंस जो प्लांट के अंदर हीट बैलेंस होता है उसे मेंटेन रखता है जो कि एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम है Uh, coming to the next it helps in maintaining the osmosis and keep it keeps the rigid जो osmosis की प्रक्रिया है plant के अंदर वो सक्रिय रहती है इसकी वजह से और ये proper growth और cell division में भी help करता है transpiration next is stomatal physiology तो stomata आपको पता है कि एक pore होता है leaves के ऊपर दो guard cells होते हैं उसके और इसके through ये open और close होता रहता है uh, थ्रू द प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस पर जो इसके आसपास के जो गार्ड सेल्स हैं वहाँ पर फोटो सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कम रहती है उसका रेट काफ़ी लो रहता है और काफ़ी टाइप्स के स्टोमेटा होते हैं मेनली चार टाइप के होते हैं जिनको हमने उनके अरेंजमेंट ऑफ एपिटरमिट सेल एंड एडजेंट गार्ड सेल्स के ऊपर उन्हें डिफ़र किया है तो फर्स्ट इज़ एनमोसाइटिक टाइप होता है इसके अंदर जो गार्ड सेल होते हैं वो एपिडर्मल सेल से ज़्यादा डिफर नहीं करते हैं डाइसाइटिक के अंदर जो गार्ड सेल जो स्टोमा होता है वो सब्सिडरी सेल्स से सराउंडेड रहता है एक्टिनोसाइटिक के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो उसके आसपास जो रेडिएट सेल्स हैं वो एक सर्कल बना के रहते हैं एनिसोसाइटिक के अंदर जो गार्ड सेल होते हैं वो थ्री इक्वली सब्सिडरी सेल्स से सराउंडेड रहते हैं और पैरासाइटिक के अंदर ये सब्सिडरी सेल्स एक से लेके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और जो लॉन्ग एक्सिस होती है जो एपीटर्मल साइज की लॉन्ग एक्सिस होती है उसके बिल्कुल पैरल रहते हैं और लास्ट के अंदर हमें डेली पीरियडिसिटी ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो एटमोसफेयर के अंदर रेडिएशन होती है सोलर रेडिएशन होती है एयर सोइल होती है टेम्परेचर होती है विंड वेलोसिटी होती है आ, इनकी वजह से बहुत इफ़ेक्ट होता है ट्रांसप्रेशन स्टोमेटा ऑफ ऑल प्लांट्स ऑल्सो शोज डेली पीरियोडिसिटी ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एज द बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स जब दिन के अंदर जब स्टोमेटा अपने जो सेल्स होते हैं वो जो पोर होता है स्टोमेटल पोर होता है उसको ज़्यादा सक्रिय कर लेता है अकॉर्डिंग टू नाइट एज़ कम्पेयर टू द नाइट टाइम जो डस्क का टाइम होता है जब लाइट uh, लाइट जो होती है वो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा रहती है जो कि मिड डे के अंदर होती है तो अपने जो स्टोमेटा के पोर्स होते हैं उस टाइम वो बहुत सक्रिय रहता है उस मैक्सिमम ओपनिंग हो जाती है और सिर्फ एक ही घंटे के अंदर इतनी मैक्सिमम ओपन ओपनिंग हो जाती है उसकी जो कि पूरे दिन के अंदर नहीं होती तो ये थी डेली पीरियडिसिटी ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट्स थैंक यू